नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। मथुरा थाना रिफाइनरी की रहने वाली मृतका सावित्री देवी को मौत के घाट उतारा। पुत्री रानी का संदेह पुत्र बधु पर है। पुत्र बधु ऊंचा गांव की रहने वाली है और संपत्ति हड़पने के एवज में अपनी सास को उन्होंने मौत के घाट उतारा। मृतका की पुत्री रानी आई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वार लगाई न्याय की गुहार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे जी ने अधीनस्थ को किया निर्देशित। आगामी समय में देखना होगा कि रानी नामक पीड़िता प्रशासनिक गलियारों में न्याय की गुहार लगाती रहेगी या फिर इसको न्याय मिल पाएगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय से कृष्णा गुप्ता की रिपोर्ट। थाना रिफाई नदी क्षेत्र का एक प्रकरण आया है प्रकाश में। इनसे जानते हैं, एक जो है अप्रैल माह में सन 2023 में जो घटना घटी है, 30 तारीख अप्रैल में जो घटना हुई है ना, उसके संदर्भ में क्या घटना हुई है। और आए दिन हम देखते रहते हैं रानी जी आपको कि एसएसपी साहब के कार्यालय में नजर आती हैं। क्या कहते हैं एसएसपी साहब? ये आपका सुनाता हूँ, हमारी जानकारी हम कह रहे और हमसे कहते हैं कि सुनाता हूँ, हम अगर ऐसे पकड़े तो हम बंदी नहीं करा रहे थे। अच्छा, तो ये शक जो जा रहा है आपका, वो जो वही है घटना हुई है। हाँ। उनके पुत्र वधु है। हाँ। तो अब आपका नाम रानी है, कहाँ की रहने वाली हो? आगरा। तो रिफाइनरी थाना रिफाइनरी में रहती है। थाना पेजा। थाना पेजा। अच्छा, तो अब कप्तान साहब क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं बोले वो, कुछ ना बोले, कह रहे हो। अब क्या चाहती हो जिला प्रशासन से? मुझे चाहते हैं कि वो कातिल पकड़ा जाए। वो कहाँ रहता है? नाम बताओ। बिरन। बिरन। बिरन नाम है। कहाँ रहता है? ऊंचा गाँव। ऊंचा गाँव सादाबाद के पास। लेडीज है वो? ऐसा क्या है कि उनकी हत्या करने में, मतलब कोई पता नहीं, ऐसा क्या उनको संपत्ति हड़पना? चलिएगा, तो ये रही थी रानी नामक ये अबला नारी। हम बता दें कि महिला ने महिला को उतारा मौत के घाट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस के पांडे सहित कोई भी आला अधिकारी नहीं सुन रहा है। और ये जो महिला है, अब देखते हैं फरियाद लगाते लगाते बन गई है, परेशान हो गई है, बेबस है ये नारी। प्रदेश की राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल हैं। महिला आखिर महिला का दर्द ना सुन पाई तो ये देखो कहाँ का तकदीर और तस्वीर बदल पाएगा उत्तर प्रदेश शासन। मथुरा से जर्नलिस्ट कृष्णा गुप्ता। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।